आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर, जज्बात के रंग भरोसा के संग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ में रोजगार सहायक व सचिवों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से पूरा राजस्व खेमा छुट्टियों में जाने सा प्रतीत हो रहा है। पहले लॉकडाउन और अब हड़ताल से राजस्व अधिकारियों की मौज देखी जा रही है। हमारे देश की यह अजीब विडंबना है कि यहाँ आम जनता चाहे किसी भी मुद्दे पर कितनों भी परेशान हो, लिखित में ज्ञापन और शिकायत सौंपकर शांत हो जाती है, जिससे किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस पर जांच भी सालों साल चलते रहते हैं, परंतु यहाँ सरकारी पदों पर बैठे छोटे से लेकर बड़े अधिकारी आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर काम रोको और अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देते हैं। ज्ञात हो कि बीते कुछ महीनों से लगातार देश की आन बान और शान, यहाँ के किसान लगातार अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ते सड़कों पर मौसमी मार खा रही है, परंतु सरकार तनिक भी टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। इस बीच छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसान बारदाने की कमी, धान की अधिक तौलाई और कड़कड़ाती ठंड की मार झेलते मंडियों में देखे जा सकते हैं, परंतु इन सब से परे यहां के पटवारी, सचिव और अब रोजगार सहायक ग्राम पंचायतों के सारे कामकाज छोड़ अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे अपनी बातों को मनवाने में सफल होते नजर आ रही है। यहां पर यह चर्चा इसलिए भी करना लाजमी है क्योंकि देश की आम जनता चाहे कितनी भी परेशान क्यों ना हो जाए, उनकी बातों को सुना नहीं जाता, परंतु शासन की रीढ़ प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी थोड़ा भी किसी मुद्दे पर एक हो जाएं तो तुरंत ही सरकार उनकी बातों को मान लेती है। आज किसान डेढ़ महीनों से छत्तीसगढ़ में मंडियों पर धक्के खा रही है, परंतु इस विषय पर कोई भी जिम्मेदार तनिक भी नहीं सोच रहा। इस विषय पर पंचायत मंत्री क्या कहते हैं, जरा यह भी सुनिए। मैं तो उनसे ये निवेदन करूंगा, काम पे उनको रहना चाहिए, क्योंकि उनकी बातें मेरे से पहले भी हुई थी और मैंने उनको कहा भी था कि आपकी बातों को हम लोग आगे बढ़ा दें। जब बात हो रही है और प्रकरण उनका मामला आगे बढ़ रहा है तो धरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अपने लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग पब्लिक के लिए काम करते हैं, तो आमजनों को तकलीफ हो और उसमें अपने लिए बात रखना जब सब हो ही रहा है तो उचित नहीं। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।